सो बंगाली ऑडियंस को बहुत दिनों बाद कुछ किसी अच्छे कंटेंट के ऊपर कोई सिनेमा देखने को मिलेगी। और हालांकि ये ऐसी बात नहीं है कि रिसेंटली बंगाली फिल्म्स में कोई अच्छे कंटेंट्स नहीं दिखे हैं, ऐसा नहीं है। द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स, एक्टर्स आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग, स्टोरी टेलर्स भी काफी ज्यादा यूनिक स्टोरीज पे काम करना है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ यहाँ पे चेंज करने को बाकी है। और उसी का एक शुरुआत हो गया है, एक शुरुआत होने लगी है, और वी कैन ऑलरेडी फाइंड गुड मूवीज कमिंग अप फ्रॉम द बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। और उसी एक फिल्म इंडस्ट्री से एक यूनिक कंटेंट निकल के आया है जिसके ऊपर हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले जिसके टीजर के ऊपर रिएक्शन किया। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर पारिया। जी हाँ, विक्रम चैटर्जी, अंगना रॉय और श्रीलेखा मित्र जी इस फिल्म में हैं, और तथागत मुखर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और तथागत मुखर्जी वैसे भी काफी ज्यादा फेमस है वो यूनिक कंटेंट के ऊपर यू नो फिल्म बनाने में, और वो ऐसे फिल्म बनाते हैं कि कमर्शियली और यू नो अगर दूसरे एंगल से भी देखें कमर्शियली भी वो सक्सेसफुल होती है, और पैरेलल सिनेमा के बैलेंस को भी वो मेंटेन करते हैं। और क्रिटिकली अक्लेम भी होती है, काफी ज्यादा होती है। और यू नो और जो भी मैंने जिस तरीके से इस फिल्म को टीजर में जैसे मैंने हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से इसको शॉट किया गया है, वी रियली लव दैट। या वेल डायरेक्टेड, और हमने कहा भी था अपने टीजर रिएक्शन में गाइस कि ये प्रोजेक्ट मतलब पाथ ब्रेकिंग होने वाली है स्पेशली बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और यही यहाँ पे कर्तव्य एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यू नो इंडियन ऑडियंस की, बंगाली ऑडियंस की, ताकि वो इस टाइप के कंटेंट को सपोर्ट करें और इसे ज्यादा एक्सपोजर दे। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऐसे फिल्म को देखना जरूरी बनता है, जरूरी बनता है। तो एफर्ट्स को हमें यू नो वी शुड एक्नॉलेज, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ यू नो प्रोजेक्ट्स। सो बिफोर वी गो अहेड एंड रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर, आप जरूर आइए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जाके क्लिक कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। वी वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब इट नाउ। Yes, guys. And by saying this, let's react. Bulu, Bulu, Bulu re. Amar Bulu re khud ja pabo to. Chhomar chhora dekhi bula. Na karo dikhe taka, na karo sath kotha bolle. Kya kum gunda gunda dikhte matra dekhi. Ragon, ragon. ये शॉट कुछ सत्य घटनाओं पे आधारित है। 50 টাকা একটা কুকুর ছিলিত আমার কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিন প্লিজ। এইভাবেই আমাদের শারমেদের প্রতি একটা প্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে। চুপচাপ করতে করতে নিকে রাখো, আমি বাইচা থাকতে এই জায়গা থেকে কেউ আমারে সরাইতে পারবো না। আমি থাকুম, আমার বাচ্চারা থাকবো। ওদের থাবায় পড়তে আমার ক্ষমতা নেই, ভালোবাসার ক্ষমতা আছে। ট্রান্সফরমেশন কাফি গ্রেট, বহুত আচ্ছা হ্যায় বিকট চলে গিয়ে খুঁজছি। কুত্তা, এই দুনিয়াতে সব জন্তুই হয় বেঁচে থাকে, না হলে মাংস হয়ে যায়। বাচ্চা কুকুরটা কোথায়? তাহলে আপনার এই বাচ্চাটা যদি বেঁচে থাকে, এই এতগুলো কুকুরের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? সম্ভব। আসলে ম্যাডাম, যে কোনো প্রাণীর ভ্যালু যদি 50 টাকা বেশি না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা কোনো লিগাল অ্যাকশন নিতে পারব। আমি 1000 টাকা করতে পারবো, আমি বাড়া 10,000 টাকা করতে পারবো, আমি 1,00,000 টাকা করতে পারবো, আমি করতে পারবো। গুড অ্যাক্টিং ম্যাডাম। আমি শুধু কুকুরদের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলাম। হাসপাতালের কেসটা মনে আছে? একটা নার্স 16 বাচ্চা কুকুর মারল, আমি ওই নার্সটা হতে চাই। হরিণ ঘাস খায়, বাঘ হরিণকে খায়, জঙ্গলের নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম। সমস্যাটা খাবারে নয়, মানুষের মাথায়। My god, this dude is good, man.
पहली बार खुद की भाषा में ये कहने को, खुद की मातृभाषा में ये कहने को मन करता है कि एटाई बांग्ला इंडस्ट्री एक्चुअल कैरेक्टर. यस गाइस, फाइनली हमें वो फिल्म मिला है यू नो जो आपको अंदर से मतलब निचोड़ के रखते, आपको झंझोड़ के रखते, एंड दिस इज दैट फिल्म. पारिया हैज अचीव्ड दैट. गाइस मैं पहली बार मैं ऐसा कुछ मैं कह पा रहा हूँ मेरे चैनल पे, स्पेशली विद बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने दो सालों से बहुत सारे बंगाली कंटेंट के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया, पर मेरा रिएक्शन अब की बार थोड़ा अलग होगा और बहुत ही स्पेशल होगा. क्योंकि इससे पहले जो चीज़ एज अ ऑडियंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं मांग रहा था बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से कि जितने भी रीजनल जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है जो अच्छी अच्छी कॉन्टेंट पेश कर रहे हैं, अच्छी स्टोरी लाइन पेश कर रहे हैं, कैरेक्टर्स वाइज एक्टिंग वाइज जो और भी कई सारी चीजें हैं, यहाँ पे पारिया उन सबको पीछे पछाड़ती है. माय गॉड. और जो टॉपिक है, टॉपिक इतना ही यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग है, इतना ही मैं कह सकता हूँ इतना ज्यादा डिप्रेसिंग है. सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. यस yes. और कई जगहों पे हम लोग यू नो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हम लोग वीडियो देख लेते हैं कि बहुत लोगों को यू नो डॉग फीडिंग तक नहीं करने दिया जाता है. बहुत सारी केसेस, बहुत सारी केसेस. देखिए एक 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 बात है, आई डू अंडरस्टैंड कि यू नो ये जो पॉपुलेशन है, कुत्तों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे सोल्यूशन भी है, बहुत एक ह्यूमेन सोल्यूशन. आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते. इलीगली मीट का जो यहाँ पे जो डॉग मीट का जो यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, वेस्ट बंगाल में एक बहुत भयंकर एक बिजनेस था और जिसको लेके बहुत लोग जागरूक हुए थे. और आजकल सोशल मीडिया के बदौलत ही We see a bit more care about dogs or दूसरे animals. हाँ, पहले ये social media बहुत बड़ा difference लेके आई है. ये मैं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता कि social media से पहले लोग किस तरह से जो street dogs है या फिर cats है उनको किस तरह से लोग treat करते थे, पर मैं ये मानता हूँ कि internet आने के बाद लोगों के अंदर एक मतलब एक भावनाशील मतलब वो लोग बन गए हैं कि लोग ऐसा right. सोच रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है और बहुत मैं यहाँ पे एक परसेंटेज के बारे में बात नहीं कर सकता, पर ऐसा मैं कह सकता हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए हैं और रस्ते में जितने भी डॉग्स हो, कैट्स हो, जितने भी जानवर हो, उन सबको एक मतलब एक केयर करते हैं, आजकल खाना देते हैं, एक सम्मान की जिंदगी. इतने साल वो जिए और वो जानवर हो तो क्या, और खुद के बच्चे की तरह. मैं नेगेटिव चीजें हैं तो पॉजिटिव चीजें बहुत सारी हैं. लोग खुद के बच्चे की तरह लोग उन लोगों को शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, उनके मेडिसिन का ध्यान रखते हैं. तो यहाँ पे रियलिटी तो यहाँ पे पूरी तरह से है इस कंटेंट में, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. और ये हर जगह है, ये हर जगह. सिर्फ मैं कोलकाता की बात नहीं करूंगा, ऑल इंडिया में ये हो रहा है और इंडिया के बाहर भी होता रहता है. बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो हम सुनते हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होते हैं. और यहाँ पे पारिया को अगर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी प्रेजेंटर्स हैं इस फिल्म के, अगर इस फिल्म को वो सही से प्रमोट नहीं कर रहे, इट इज अ मैं कहता हूँ इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. यस इट्स अ क्राइम. ऐसे कंटेंट को अगर आप ठीक से अगर प्रमोट नहीं करते हो, अगर ये फिल्म सही बिजनेस नहीं कर पाती है, यहाँ पे डायरेक्टर का दोष नहीं होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर का या फिर एक्टर्स का दोष नहीं होगा. इट इज गोइंग टू बी द सोल यू नो मिस्टेक और क्राइम बाय द ऑडियंस. यस. और जो इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस पूरे कॉन्टेंट में देखा जिस तरीके से, सी ये ऐसी बात नहीं है कि बहुत बढ़िया टॉपिक है तो इसको बताना ही होगा बहुत बढ़िया. नहीं, इसको प्रेजेंट करने का जो भी डायलॉग्स है हार्ड हिटिंग है, बहुत ग्रिटी है यहाँ पे. और यू नो द एक्टर्स आर वंडरफुल. और यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे डायरेक्टर तथागत मुखर्जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई प्लॉट है, आप सोचते हो, आप इमेजिन करते हो, लोग क्या करते हैं कि पहले इंडस्ट्री के जो टॉप लेवल के जितने भी एक्टर्स है, जो सुपर स्टार्स है, उनको अप्रोच करते हैं. ये एक बेसिक सी बात है, अगर एज अ प्रोड्यूसर भी मैं कोई होगा तो वही करेगा. पर आपके ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर हैं जो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जाने जाते हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक एक्सपेरिमेंट एक मौके का इंतजार मौके का इंतजार कर रहे हैं. और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि लोग सब सोचेंगे कि नहीं, एक लीडिंग एक्टर को दे दो, एक सुपरस्टार को दे दो. नहीं, लेट्स डू द अनएक्सपेक्टेड थिंग. जो मुझे लगता है कि साउथ में ऐसा होता है, साउथ में ये कल्चर है. मैं बॉलीवुड की बात मैं नाम नहीं लूंगा, साउथ में ऐसा होता है. और यहाँ पे पहली बार मैंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में ये ऐसा होते देखा मैंने विद विक्रम चैटर्जी. आप यहाँ पे बंदे का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखिए गाइस. आपने शायद विक्रम चैटर्जी के और कई मूवीज या फिर सीरियल्स
आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन ही वाज नेवर लाइक दिस बिफोर, नेवर लाइक दिस बिफोर। विक्रम चटर्जी खुद को अगर आईने में देखते होंगे एंड ही मस्ट बी फीलिंग प्राउड, वी आर प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड ऑफ हिम। जिस तरीके से उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया है एज एन एक्टर, वो शायद सब भूल गए होंगे जिस मोमेंट पे वो इस कंटेंट के ऊपर रिएक्शन, मतलब वो खुद एक्टिंग कर रहे हैं, द एंगर पे वो एक्ट कर रहे हैं, दैट साइलेंस इज एक्चुअली इज देयर एट सम टाइम। उनका जो एंगर है वो साइलेंट है, मतलब एक लावा फूटने से पहले जो होता है ना, जो इरप्ट होने से पहले जिस तरह का एंगर रहता है, exactly, वो है। एंड व्हेन द लावा इरप्ट्स, जब वो वॉल्केनो निकल के आता है, जो मतलब अग्रेशन आपको देखने को मिलते हैं, ही मींस, मतलब ये मींस ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, ही कैन किल एनीबॉडी फॉर हिज पपी। सो मतलब ये जो अग्रेशन है, जो एडिक्शन है, जो प्यार है जानवरों के प्रति, वो यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे सिर्फ प्यार नहीं, अब एक बदले की भावना है कि अगर किसी ने भी इनके ऊपर एक आंच भी लगाई, एक चोट भी लगाई, तो वो खत्म कर सकते हैं लिटरली। यहाँ पे एंड पीपल, यहाँ पे सोसाइटी का यहाँ पे नॉर्म्स भी हम मैंने देखा, ट्रेलर में बताया गया कि पुलिस स्टेशन में जब केस फाइल करने जाते हैं, ₹50 से एक कुत्ते की, एक जानवर की जान ₹50 से, अगर कोई भी इंसान की जान या फिर कोई भी जान जिसमें जिंदगी हो उसकी वैल्यू अगर ₹50 से नीचे हो तो कंप्लेन नहीं ली जाती। वो मुझे मैंने मेरे गाल पे चाटे, एक थप्पड़ जैसा मेरे गाल पे पड़ा कि मेरा वैल्यू क्या है, किसी जिंदगी की वैल्यू क्या है। एक जानवर की वैल्यू ₹50 भी नहीं है, एक जिंदगी जो सांस लेती है, मतलब वो चलती है फिरती है, जिसमें प्यार है, गुस्सा है, सब कुछ है, उसमें इतना भी कुछ नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। यस गाइस, सो ये बहुत हार्ड हिटिंग था। और यहाँ पे हमने बात कर ली टीजर के बारे में, विक्रम चटर्जी वंडरफुल कंटेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ट्रेलर बहुत फाड़ू है, ये थिएटर्स में जाके इसको मेगा हिट होना है, और मुझे लगता है इतनी मुझे आशा है, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को इसे सपोर्ट करना चाहिए गाइस, आपको एक्सपोजर देना चाहिए, ताकि एक तथागत मुखर्जी के जैसे और भी जैसे डायरेक्टर्स ऐसे हार्ड हिटिंग टॉपिक लेके आए, इस तरह की डायरेक्शन आपको देखने को मिले। और मैं, हम लोग, हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमें जो भी सब्सक्राइब करते हैं, मैं जीत और देव फैंस को ये कहता हूँ कि गाइस, ये आपकी इंडस्ट्री की फिल्म है, ये हमारी इंडस्ट्री की फिल्म, नॉट अबाउट, यहाँ पे जीत देव आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक अच्छी फिल्म मिलेगी। एंड यू हैव सपोर्ट दिस फिल्म, मतलब दूसरे एक्टर को भी एक मौका देना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, डू सपोर्ट दिस फिल्म। अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो सुपरस्टार्स रह के कोई फायदा नहीं है, तो आपको इंडस्ट्री को पहले आपको सपोर्ट करना चाहिए गाइस। और यहाँ पे हम अभी थोड़ा कास्ट एंड क्रू के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इस फिल्म का। सो यहाँ पे अगर हम कास्ट एंड क्रू के बारे में बात करें, तो स्टार कास्ट में पूरे जो जितने भी एक्टर्स हैं, हम वी आर गोइंग टू रिपीट द नेम्स आउट हियर, बहुत वंडरफुल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो जितने भी लोग यहाँ पे हैं। सो हम लोगों ने देखा विक्रम चटर्जी को इन लीड कैरेक्टर, अंगना रॉय है, एंड श्रीलेखा मित्र, अंबरीश भट्टाचार्य, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब आउट देयर, सोमू मुखर्जी is, I believe he is playing the negative role, और बहुत terrific performance है, terrific performance है। तपती मुंशी, देवाशीष रॉय, लोकनाथ दे, देवप्रसाद हालदार, बिमल गिरी, शाहिर राज, so it is a stellar cast, it's all about performance, yes, star तो अब ये लोग बनेंगे, क्योंकि ये लोग अपना best दे रहे हैं यहाँ पे, yes. इन सभी को मेगा स्टार बनना है इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का फ्यूचर यहीं से शुरू होगा, आई एम श्योर। और अपार्ट फ्रॉम देम, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है प्रतीक चक्रवर्ती और अभिनव घोष ने। इस फिल्म के डायरेक्टर, द स्टार पावर आउट हियर, द वंडरफुल जॉब डन बाय द डायरेक्टर, दैट इज मिस्टर तथागत मुखर्जी। और म्यूजिक में काम किया है रणजय भट्टाचार्य ने। रणजय भट्टाचार्य का जो भी यहाँ पे BGM था, बहुत क्रिटी था, बहुत एंगेजिंग था, एंड गोज विद द कंटेंट, या सूट भी करता है गाइस। और यहाँ पे खुशखबरी ये है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये पारिया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पारिया वॉल्यूम वन लिखा हुआ है, मतलब 100% इसका सीक्वल आएगा, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पार्ट बने इसके। अगर ऑडियंस का सपोर्ट मिला तो गाइस, ये डेफिनेटली ये होने वाला है, प्लान्स तो यही है। सो ये फिल्म रिलीज होने वाली है 9th February, और आपके नजदीकी घरों में, फाइनली मैं कह सकता हूँ कि हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में ये रिलीज होने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू श्योरली वॉच दिस फिल्म। यस गाइस, और मैं जरूर अपने फैमिली के साथ जाऊंगा, एंड मुझे पता है कि इस फिल्म को देखने के दौरान पीपल कैन नॉट कंट्रोल द इमोशन, क्योंकि जिस क्रिएचर के बारे में हम यहाँ पे बात करें, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, वो इंसानों के हमारे दोस्त कहे जाते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं हमारे जिंदगी के, उनकी जिंदगी के सिर्फ 10-12 साल ही बचते हैं जो वो हम पे निछावर करते हैं, हमसे वो प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, हमें उन हमसे भी ज्यादा हमको प्यार लौटाते हैं। तो ये जो भी चीजें उनके बारे में दिखाई देंगी, वो किसी, मैं, मुझे पता है कि हर जान इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही हम तो मतलब सहना भी मुश्किल हो जाएगा, बट
It's a great content. We are going to watch it for sure. So guys, यही था हमारा reaction on the official trailer of Paria. आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में, विक्रम चटर्जी के बारे में, तथागत मुखर्जी के बारे में, हमारे reaction के बारे में, वो आप comment section में जरूर जाके बताइए guys. इस channel को like कीजिए, subscribe कीजिए और notification bell को all पे कर दीजिए ताकि जितने भी content हमसे upload हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. सोशल मीडिया के जितने हैंडल्स हैं गाइस, लिंक्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं. और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए. एंटिल देन द रिएक्शन इज सेज, जय हिंद.